इन दो तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि आखिर भगवान ने इंसान को क्यों बनाया था। इन तस्वीरों में जो हैवानियत नजर आ रही है उसे देखकर भगवान भी शर्मिंदा हो गए होंगे। उन्हें भी शर्म आ रही होगी कि अपनी कल्पनाओं से जिस इंसान को उन्होंने बनाया था, जिस इंसान को दिमाग देकर सर्वश्रेष्ठ बनाया था, वो आज जानवरों से भी बदतर है। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों में दरिंदगी एक जैसी है। दोनों जगह पहले तो जबरदस्ती इज्जत लूटी गई और फिर आग के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ वो आपको पता ही है, लेकिन हैदराबाद से 1523 किलोमीटर दूर संबल के छोटे से गांव में जो घटना घटी उसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। दरअसल संभल जिले के नशाखा में 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां पीड़िता 9 दिन तक लगातार मौत से जंग लड़ती रही और आखिर में वो हार गई। डॉक्टरों की माने तो नाबालिग लड़की का करीब 70% शरीर का हिस्सा जल गया था। जानकारी के मुताबिक बीते 21 नवंबर को घर में अकेली मौजूद पीड़िता के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के समय पीड़िता की मां दवा लेने गई हुई थी। वापस आने पर पीड़िता ने मां को शर्मनाक वारदात के बारे में बताया। इस पर पीड़िता की मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया और पुलिस कार्रवाई की बात करने लगी। कौन था लड़का जो खींच, कहां ले गया था खींच करते हो? फिर क्या किया उसने ले आकर? आपको लड़की ने आकर के क्या बताया था घर में? क्या बताया? क्या कुछ गलत काम भी किया वो बता रही थी? उसके बाद क्या हुआ फिर लड़के ने? हैं? पुलिस को बुला कर लाऊंगी। हाँ। तो मैं घर में से निकली तो क्या भट्टी का तेल डालता? किसने लगाई थी? लड़के ने। क्या नाम है उस लड़के का? जसार। क्या पहले भी कभी वो दिख कर चुका था लड़का? ना ना पहली बार। अब क्या चाहती हो आप? हम उसको जेल कराना चाहते पूरे घर पर। उसके घर वालों ने फिर मुझे मारा। पुलिस कार्रवाई की बात सुनते ही आरोपी जिशान पीड़िता के घर पहुंचा और मां बेटी को धमकाने लगा। धमकाने के बाद भी जब पीड़िता की मां नहीं मानी तो आरोपी जिशान ने उसे आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दिनांक 21 नवम्बर को थाना नखासा क्षेत्र में घटना घटी थी। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया, उसके बाद मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया गया था, जिसका इलाज सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी उसी समय हो गई थी और इसमें उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर एनएसए भी लगाया जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। आज 9 दिन बाद जो है पीड़िता की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, पर जब वहाँ उनके रवाना हो गए हैं और उनके पोस्टमार्टम के बाद जो है अंतिम संस्कार के लिए वो उनको सौंपा जाएगा। पीड़िता के परिवार को रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से आर्थिक सहायता का भी जो है प्रक्रिया जारी है, वो भी उनको दिलाई जाएगी। संभल से अनूप कुमार की रिपोर्ट।